हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि इसमें आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, किसी भी चीज की अति आपके लिए हानिकारक होती है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उस चीज से प्रेरित है। तो हम लोगों ने कुछ टेस्ट कराए थे जो भी आपको वीडियो में ही दिखेंगे आगे। और इस वीडियो की एंडिंग तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। रिपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा लाइक नॉट एक्सपेक्टेड वो रिपोर्ट आई है। तो राजा आ गए थे, तो वही है। और आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी क्या किया है ऐसा जो ये रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा बिगड़ गई यार, बहुत ज्यादा खराब आई। मेरे को तो अपनी उम्मीद थी। खैर, यहाँ पे मम्मी सबसे पहले बम्बिसरी बना रही थी, तो मम्मी ने राजा को दो तीन ऑप्शन दिए थे, पर राजा को मम्मी के हाथ की बम्बिसरी यानी कि बैम्बिनो इतना पसंद है कि वही बनाते हैं। तो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब भी मैं बम्बिसरी बोलती हूँ, मम्मी ब्लॉग देखती हूँ, मम्मी बोलती हूँ, मुझे ना ऐसा लगता है कोई कीड़े की बात कर रही है। तो यहाँ मैंने मम्मी ने हल्दी, नमक, मिर्ची जो भी मसाले जो डाल दिए, आलू प्याज वगैरह डाल के यहाँ पे हमने भूनने रख दिया। सबसे पहले मैंने दलिया भून के रख लिया था, क्योंकि दलिया बच्चों को लगता है। दलिया भी एक बार में आधा किलो भून के रखा है। और उसके बाद पानी डाल के यहाँ पे मिर्ची डालिए। एक साइड पे चाय रेडी हो रही थी और हम लोग चले गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि राजा का ये हमारे घर का सबसे फेवरेट नाश्ता हेलो है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और गर्मी देखो यार, गर्मी इतनी हो रही है। एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पे गर्मी है यार ज़्यादा। तो अभी जस्ट नाश्ता बनाया है और अब लाइट आई है जाके, तो एसी ऑन करे रूम के की हवा। हाय, कहाँ भी खाना भी दे रहे हैं और डिब्बू जा रहा है स्कूल, तो डिब्बू का एडमिशन कराना है। जबलपुर में जाएगा वैसे, पर अभी ये अपनी गाड़ी पेन सब लेके घूमता रहता है। है ना, स्कूल जा रही हूँ। स्कूल 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 बाय बाय। यार पता नहीं आज ना, आज मेरी एक साइड में दर्द है। आज नहीं, मुझे ना कल से ही दर्द है। मम्मी कह रही थी तुझे किडनी का दर्द हो रहा है, पर किडनी का नहीं है। एक्चुअली में ना अजीब सा लग रहा है, हड्डियाँ टूट गई है। जैसे मेरे वन हिप साइड में दर्द हो रहा है, और दर्द नहीं है यार, बहुत गंदा दर्द है। तो मैंने ब्लॉग ही नहीं किया सुबह, ब्लॉग स्टार्ट किया था फिर नहीं किया। तो ना मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ साड़ियाँ निकलवानी है पापा से। हाँ जिया, डुगू जिया से। उसके बाद मैं और डुगू थोड़ा सा आ गए थे यहाँ पे। डुगू छत से आया था पतंग उड़ा के राजा के साथ, मैं देख के। तो राजा डुगू मेरे को पतंग ही दिखा रहा था कि वो देखो पतंग, वो देखो वो देखो। तो सारी आसमान ही दिखाने में लगा था मेरे तब से। उसके बाद फिर उसे कुछ खाना पीना था, तो मैं यहाँ पे चली गई थी। अरे यार, यहाँ पे कुछ और ही हुआ, पता नहीं, मैं शायद पता है मैं थोड़ा ब्लैंक हूँ। तो मैं यहाँ पे केश किंग लगाने आई हूँ, एक्चुअली ऑयलिंग करने आई हूँ। डुगू इसके बाद पतंग उड़ाने गया था, तो वो पतंग ही दिखा रहा है मुझे। वो 3-4 दिन से पतंग ही दिखाने में लगा हुआ है। तो क्या हम लोग का ना ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हो गया है यार कि यहाँ पे सब लोग टेंशन में बैठे हुए हमारे घर में भी। तो मैं तो अपना ब्लॉग, मेरे को लग रहा था कि करूँ, फिर मेरे को लगा यार नॉर्मल ब्लॉगिंग है, जाने दो। तो यार मैं ऑयल लगा रही थी, और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे को पता है टेस्ट ही, मैं दीपा से बोल रही टेस्ट ही नहीं कराने चाहिए थे ना, पता चलता ना कुछ। पर यह है कि डिटेक्शन होना ज़्यादा सही है, और देखते हैं यार। तो यार मैं आलू के चिप्स खा रही थी, दीपा ऑफिस से आई थी, वो ब्लैक पेपर बेक चिप्स लाई थी, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट की, बड़ी स्वादिष्ट थे। छोटा सा पैकेट 50 रुपए का था, पर टेस्ट उसका बहुत अच्छा था। उसके बाद पापा चाय चाय मैं ही बनाए थे, बनाता मेरे हूँ, पापा बहुत ही चाय बनाते ये थे। लो पापा से अपनी चाय चाय मैं ही बनवाते, बनाता शाम वाम के बाद हवाई घर को चाय मजा आता ज्यादा पापा पसंद के साथ लगा, चाय पीने में। क्योंकि पापा स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। पेट में डालना चाहिए पता है, शादी से। गुदरू गुगू उड़ गया पता, उड़ गई पता। पानी पीना है, पानी। हाँ जी बेटा, हाँ तो मैंने ऑयल लगा लिया। क्या हो गया बेटा? हाँ पतंग के लिए छत पे लटके रहते हैं पतंग। पतंग, ओ माय गॉड।
उसके बाद अब मैं आई थी, डुगू जब पतंग उड़ा के वापस आ गया था तो यहाँ पे वो बता रहा था कि कैसे पापा पतंग उड़ाते हैं, और वो पतंग ये दिखा रहा था जो कि मैं आपको तब भी बोली था, वो पतंग उड़ाता जा रहा था तब बता रहा था, फिर वो पतंग उड़ा के आ गया तब बता रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसे कुछ कुछ खाना पीना है तो उसे खाना पीना था, उसने बोला चाय और उसकी कुकीज, तो मैंने पूरा दूध लेके उसमें हल्की सी चाय पत्ती डाली, और मैंने यहाँ पे ये ओट्स के बिस्किट लिए, ये 100% ओट्स 0% मैदा के बिस्किट हैं जो डुगू को हम लोग दे रहे हैं, मल्टीग्रेन है ये पूरे बिस्किट, और जो वहाँ वाले बिस्किट है वो मेरे बिस्किट है कोकोनट बिस्किट, जो कि मुझे बहुत शक्ति है, और जब भी मैं अपने मायके आती हूँ मैं बहुत वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, हमेशा का है मेरा, जब भी मैं मायके आऊंगी तो मेरा वेट इतना पुट ऑन हो जाता है कि वो जाते जाते जाता है। जिया पिछले जब 2 साल पहले आई थी तब भी मेरा वेट 70 पहुंच गया था, इतना हो गया था। आई मैं कम वेट के साथ आई थी, मेरे को लग रहा फिर हो जाएगा, फिर हम लोगों ने गोलगप्पे मंगवाए, यहाँ तक पूरा माहौल सही था। रात को हमने इस टाइम के बाद डॉक्टर लालपैथ लैब वाले को कॉन्टेक्ट किया, और उसके बाद फिर सबके टेस्ट थे वो कराने थे, और ये था कि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल ही रही थी बट और इतनी हो जाएगी नहीं मालूम थी। तो यहाँ पे आलू और छोले मम्मी ने जल्दी से मैश करे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सूजी के गोलगप्पे थे, मेरे को बड़े अच्छे लगते, मेरे को यहाँ के गोलगप्पे ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं गोलगप्पे तो घर आके खाती खाती हूँ, 4-5 बार खाती हूँ। तो ये मॉर्निंग में सबने टेस्ट करने के लिए बैठ गए, मेरे को अपना HB टेस्ट कराना था क्योंकि मेरे को चक्कर ज्यादा आते हैं, पर मेरा तो HBR एकदम प्रॉपर सही सही आया है। मैं टेस्ट कराई थी, रीवा कही थी देखो डर नहीं लग रहा, मैंने बोला बेटा तो वो C-section हो गया, मेरे को नहीं डर लगता, तो वो ही देख रही थी यहाँ पे, वो दर्द नहीं होता। और आने वाली वीडियो में आप देखिएगा दीपा को कैसे दर्द होता है कि वो मम्मी से चिपक गई थी, मेरे को वही मैंने मम्मी से बोला ये तो अभी तो सुई भी नहीं घुसाई है, और उसे अभी से बस पकड़ के बैठी थी मम्मी को कि बस दर्द ना हो उसे। किसी अभी लाल पैथ लैब से भैया आए हैं, सबको रूटीन चेकअप के लिए लिया है ब्लड, ये कुछ टेस्ट थे, तो मम्मी तू अपना HB करा ली, CBC करा ली, मैं CBC नहीं करा रही HB करा रही हूँ, ऐसा CBC कराते हैं, थायराइड करा ली करा ली, ये खून निकल रहा है इसलिए सब करा ली, मैंने नहीं मैं सिर्फ HB करा रही हूँ। तो मेरी ना एक साइड में बहुत दर्द है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अभी चाय बनानी, टाइम बज रहा है 8, क्या हो गया दीपा इतना ही डर पो के पूछिए मत, मेरा वही अभी सबको सबको रूटीन हो रहा था यार, ये रूटीन होते रहते हमारे घर में बहुत सारे, मम्मी का होता है सब करा लेते साथ में, यहाँ मेरे को दर्द है ये यार बहुत, एक साइड में एक पॉइंट पे मम्मी दर्द तो नहीं लग रहा है, मम्मी का आपसे 5,000 अच्छा हाँ जो दर्द लग रहा है, मैंने अभी खाना पीना खाया था वजह से, डर के कारण रिपोर्ट से कारण खाना भी नहीं खाया, मेरे को बहुत डर लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और लूडो खेल रही डर के, बस मैं टाइम पास कर रही हूँ, अभी मेरे को जब तक डाल दिया जब तक जब तक तो ये मैं थोड़ा सा बैग पैक कर रही थी, तो मैं अपने कपड़े इसी में रखती हूँ या मैं अलमारी में ही रखती, पिछली बार डुगू के बहुत सारे कपड़े छूट गए थे, लाइक 2-3 जोड़ी, बहुत सारे तो नहीं, बहुत 2-3 जोड़ी छूट गए, वो भी कहीं रखे होंगे डुगू के टाइगर प्रिंट वगैरह थे। तो ना आज मैं जब सुबह टेस्ट करने वाले आए थे उस टाइम के बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद मम्मी के बेडरूम में सोई हूँ, और इतना सोई हूँ, इतना दर्द मुझे, इतना दर्द, कल मैं सुबह 5 बजे तक नहीं सोई, कल मैंने ब्लॉग भी नहीं किया है, मैं कुछ नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड स्टिल है। तो यहाँ पे एक मम्मी बोली थी हड्डी के अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको मैं जा रही दिखाने के लिए, तो अभी थोड़ी शाम तक जाती हूँ मैं राजा के साथ, वैसे भी हल्का सा कम है, मैंने बोलनी स्प्रे डाला है, तो पता नहीं यार ये परसों से हुआ, मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, फिर मेरे को लगा मे बी ड्यूटी साइकिल है, देन फिर कल बहुत ज़्यादा इंटेंस था, मैं जब वहाँ पर टच कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, एंड साथ में चला रहा था कि बहुत सारी हड्डियाँ, जैसे एक साइड में समझ में नहीं आ रही, एक साइड में चला रहा था बहुत सारी हड्डियों का चूरा बन जाता है ना, वैसा सा लग रहा था। फिर मम्मी ने पापा ने बोला, मम्मी ने बोला ये किडनी का लग रहा है, फिर किडनी थोड़ी सी ऊपर साइड में रहती है, फिर मम्मी ने बोला रीढ़ की हड्डी का लग रहा है, फिर मेरे को लगा साइटिका का है, मेरे को लगा साइटिका यार मुझे कहाँ से आ गई उनसे, क्योंकि मेरे को नहीं था साइटिका का पेन। उसके बाद फिर मेरे को लग रहा था बच्चे ही मेरे पर कूदते रहते तो उसके कारण पेन बन गया, बट ये बहुत ही ख़तरनाक पेन था कि इतना गंदा कि मैं चल रही हूँ तो मैं सीधे नहीं चल पा रही थी, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। फिर सुबह 5:30 बजे तक मैंने सोई, राजा ने थोड़ी सी मालिश करी है, उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा आराम मेरे को हुआ, फिर मैं जाके सोई, फिर उसके बाद फिर वो 8:30 बजे आ गए, 2-3 घंटे सोई हूँ मैं, फिर वो आके टेस्ट करके गए हैं, तो टेस्ट बेसिकली मम्मी का करना था, और दीपा और मम्मी का HG बहुत कम है, 7, 6.5, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट दिखाऊंगी, उनका इतना कम HB रहता है।
तो फिर मम्मी ने बोला तेरा भी करा देते हैं एच बी और सी बी सी भी करा देते हैं, थायराइड भी करा देते हैं। मैंने बोला नहीं मैं एच बी कराऊंगी बस, मैं बाकी सब मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार वही होते होते आज जितना व्लॉग हुआ हुआ नहीं हो पाया, हर दिन तो होते ही ना होते नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मुझे ऐसा सच होती नहीं है टच वुड, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सब लोग सही हैं, बच्चे सही हैं और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर है। कि जैसे घर में आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं जब मैं जबलपुर में रहती हूँ, वो भी जब मैं किराए घर में थी तब नहीं, जब मैं अपने उस वाले घर में रहती हूँ तो वो वाले ब्लॉग और ये वाले ब्लॉगों में काफ़ी अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ व्यूज़ या उसके लिए हम ड्रामा करते रहे, इसकी वो हो गया, इसका वो हो गया, इसको चोट लगी, हर दिन का कुछ ना कुछ होता रहता है। पापा अदरक पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है, बट देखिए जो चलता है वही दिखता है। अब हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, सबको स्मूथ ही दिख रही है, बस ये है। और मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी तब आई थी जब दीपा का टेस्ट हो रहा था, वो इतना डरती है। मेरे को दो सी सेक्शन हो गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हो चुकी है आप इतना झेल लेते हो तो फिर शायद ही आपको एक सुई से डर लगेगा। तो बस यार ये है, एक छोटा सा ब्लॉग था, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है और साथ में अपना ये दिखा के आती हूँ। ओके बाय।